संजय दत्त ने अपनी पत्नी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल संजय दत्त ने अपनी पत्नी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था शादी के बाद, वो काफी वायरल हुआ था, वो भी तब जब मान्यता दत्त उनकी तीसरी पत्नी की झगड़े की खबरें आ रही थी संजय दत्त की बड़ी बहन प्रिया दत्त के साथ। दरअसल इसलिए क्योंकि संजय दत्त की तीसरी पत्नी मान्यता दत्त को अपनी भाभी नहीं मान रही थी, संजय दत्त की पत्नी नहीं मान रही थी प्रिया दत्त। साल 2009 में अपनी बहनों को लेकर संजय दत्त ने नाराजगी और उदासी जाहिर की थी। दरअसल पब्लिकली एक इंटरव्यू, एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था प्रिया दत्त का, जिसमें उन्होंने कहा था मान्यता उनके भाई की पत्नी नहीं, वो सुनील दत्त और नरगिस दत्त की बहू नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला है जिसने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया है। प्रिया दत्त के इस स्टेटमेंट से संजय दत्त काफी नाराज थे। बता दे आज जो मान्यता का साथ देती भी प्रिया नम्रता हमेशा एक ननद होने का फर्ज निभा रही है, और जिस भाभी मान्यता ने उनके भाई को सालों तक प्यार दिया और हमेशा एक पत्नी होने का फर्ज निभाया, जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं होती, उस मान्यता को जब उनकी ननद प्रिया दत्त ने ये सब सुनाया तो मान्यता ने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल भी अपने ननद के खिलाफ मान्यता दत्त नहीं गई। लेकिन संजय को अपनी पत्नी का हाल बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर क्या संजय दत्त ने अपनी बहनों को सुनाया भी था। खैर ये बात तब की है जब साल 2009 में एक स्टेटमेंट देती हुई प्रिया दत्त पब्लिकली ये स्टेटमेंट देकर फंसी थी। ये तब की बात है जब संजय दत्त अपने पुराने मामले से परेशान होने के बाद कोर्ट कचहरी से रिहाई पाकर अपने घर बसाने के साथ मान्यता के साथ अपने पाली हिल में रह रहे थे। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के गुजरने के बाद संजय दत्त ने अपनी पत्नी को खोने के बाद रिया पिल्लई से तलाक लेने के बाद बहुत ही तन्हाई का सफर दर्द में काटा था। तब मान्यता दत्त उन्हें मिली। बॉलीवुड में आइटम नंबर करने वाली एक्ट्रेस मान्यता दत्त संजय दत्त की पत्नी बनने के बाद उन्होंने अपने करियर को पीछे छोड़ दिया, और संजय दत्त की जिंदगी में आने के बाद उन्होंने संजय दत्त के पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली, और बखूबी वो निभाती हैं आज भी अपनी जिम्मेदारी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।